माँ बाप के लिए उनके बच्चे उनको जान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। माँ बाप को इस धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन जब यही भगवान हैवान बन जाए बच्चों पर प्राण देने वाले, उनके ही प्राण के दुश्मन बन जाए, तो ऐसों को क्या कहा जाए। ये सच साबित हुआ है बेंगलुरु में, जहाँ एक पति ने अपनी पहली बेटी को मारने की कोशिश की जब उसकी पत्नी ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। बता दें कि आरोपी वेंकटेश्वर राव तेलंगाना के प्रकाशम जिले का रहने वाला है। उसने 2016 में बेंगलुरु के रेड्डी पालिया निवासी नैना से शादी की। उनका पहला बच्चा बेटी हुई। अब वहीं 10 दिन पहले नैना ने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया। वहीं जब वेंकटेश्वर अपने बच्चे से मिलने नैना के घर गया तो बेटी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। वेंकटेश्वर ने अपनी पहली बेटी का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की। इसके बाद नैना ने पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसमें उसने कहा कि उसका पति और परिवार ने उसे परेशान किया था जब उसने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया था। दहेज के लिए वो लोग उसे प्रताड़ित भी करते थे। अब क्योंकि उसकी एक और बेटी है, इसलिए उसका पति उसे और भी ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है। वहीं पुलिस भी शिकायत दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।